नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले काफी समय से बांग्लादेश जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, एक के बाद पिछले तकरीबन 1.5 महीने से, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसी के संदर्भ में कुछ खट्टी मीठी बातें भी करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अलग अलग व्यू पॉइंट मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो तकरीबन 1.5 महीने पहले से कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में बांग्लादेश स्टूडेंट्स रास्ते पर निकलकर प्रोटेस्ट किए और ये डिमांड कि वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज को कोटास दिए जा रहे हैं, पब्लिक वर्क, उसको निकाल दिया जाए। अब जैसे कि हमने आपको आगे के वीडियोस में भी बताया था कि वो जो कोटा सिस्टम था उसको 2018 में ऑलरेडी शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था, लेकिन बाद में बांग्लादेश की एक हाईकोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया। उसके बाद वो चलता रहा। वो जो पर्टिकुलर कोटा है वो 50% प्लस का था, जिसको शेख हसीना ने ही निकाल दिया था, लेकिन फिर से उसको वहां की हाईकोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया था। फिर से 1.5 महीने पहले उसी कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में स्टूडेंट्स बाहर निकल कर आए रास्ते पर। उनकी जो नासमझी है उसको भड़काया गया, उनको यूज में लिया गया और उनको प्यादे की तरह यूज में लेते हुए रास्ते पर उतार कर शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब ये हम पर्टिकुलरली शेख हसीना के खिलाफ क्यों कह रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमने आपको आगे के वीडियो में क्लैरिफिकेशन दिया था कि जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे तभी हम लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होते हुए, सिर्फ कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ना होते हुए, रेजिम चेंज ऑपरेशन ज्यादा लग रहा है। उसी के ऊपर चलते हुए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो जो कोटा सिस्टम है उसको हटाया जाए और उसकी जगह पर सिर्फ 7% जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए। तो उसी के चलते वो जो शुरुआती प्रोटेस्ट था, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, वो शांत हो गया। अब वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसमें भी कुछ दंगाई घुस गए थे, कुछ जमात के उग्रवादी घुस गए थे, जिसके चलते उस समय भी दंगे हुए थे और शेख हसीना ने सिक्योरिटी मेजर्स लेते हुए उसके ऊपर क्रैकडाउन भी किए थे, जिसके चलते कुछ लोगों की मौत भी हो गई। कुछ समय वो प्रोटेस्ट शांत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंसिंग है वो आने के बाद, इस कोटा सिस्टम के ऊपर जो वर्डिक्ट है वो आने के बाद, तो उसके कुछ समय के बाद फिर से स्टूडेंट्स को रास्ते पर उतारा गया। उतारा गया ना कि वो लोग उतरे, उनकी जो ना समझ, जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जो नैरो व्यू है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स पढ़े लिखे नहीं होंगे वहां पर, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ प्रोबेबली लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ी मात्रा में पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करने उतर आए और शेख हसीना को फिर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए उसमें डायरेक्टली शेख हसीना के पास रेजिग्नेशन मांगा गया। फिर से उसमें जमात के लोग भी शामिल हो गए, उग्रवादी शामिल हो गए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो अल्टीमेटली दंगों के स्वरूप में चेंज हो गए। और उसमें स्पेशली आवामी लीग के जो लीडर्स हैं, जो पुलिस पर्सनल है और जो हिंदू हैं, उन लोगों के ऊपर हमले शुरू हो। उसके बारे में हमने कई सारे वीडियोस बनाए और आपके साथ साझा भी किए थे अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप जाकर जरूर देखिए। उसमें खास करके हिंदू वॉइस करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने काफी सहायता की और साथ ही में ऑफ इंडिया से नूपुर शर्मा जी जो है उनकी भी परमिशन लेकर उनके भी पास से कुछ वीडियोज और कुछ डिटेल्स हमने साझा की थी अपने यूट्यूब वीडियोज में, तो आप जाकर जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखे तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोटेस्ट है दंगों के स्वरूप ले लिए थे, जो इनिशियली स्टूडेंट्स के नाम पर शुरू किए गए थे उसने दंगों के स्वरूप ले लिए और अल्टीमेट शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और वो भारत में हाल में शरण लेकर रह गए। शेख हसीना का जो वीजा है वो यूके ने और यूएस ने दोनों ने ही खारिज कर दिया है और दोनों ने अपने वहां पर शेख हसीना, जो कि काफी लंबे समय तक बांग्लादेश में पीएम के तौर पर रही है और रिसेंटली भी इलेक्ट होकर आई, चुनकर आई थी, ऐसी सरकार को वे लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर कोटा सिस्टम था और ये जो शेख हसीना की गवर्नमेंट बनी वो इलीगली बनी है, जबकि हकीकत कुछ और ही। उसके बारे में भी हमने आपको आगे के वीडियो में बताया था, इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसके बाद शेख हसीना के वहां से बांग्लादेश से निकलने के बाद तुरंत ही हिंदुओं के ऊपर जो हमले हैं और आवामी लीग के लीडर्स के ऊपर जो हमले हैं वो काफी ही बड़ी मात्रा में होने लगे और बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकल कर आए। हमने स्पेशली दो ऐसे कंपाइलेशन बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, मोर देन प्रोबेबली 50, 70 और मे बी 100 वीडियोस आर देयर।
लेकिन उन सभी वीडियोस में से हमने कुछ कट डाउन करके 10 टोटल ऐसे वीडियोस हैं जो निकाल कर हमने यूट्यूब पर शेयर किए, क्योंकि यूट्यूब नहीं तो उन वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उन वीडियोस को स्ट्राइक मार देता है। तो उसी के चलते, कुछ लिमिटेशंस के चलते, हम सभी वीडियोस को साझा नहीं कर पाए। कुछ वीडियोस और कुछ डिटेल्स हम हमारे ट्विटर अकाउंट पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किए थे। अगर आप हमारे साथ वहां पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है, तो जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। तो हिंदुओं के बहुत ही बड़ी मात्रा में हमले होने लगे, हिंदू फैमिलीज को मार डाला जाने लगा, उनकी हत्या होने लगी, उनको जिंदा जलाया गया, उनके घरों को आग लगाई गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया, और यहाँ तक कि आवामी लीग के जो लोग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उनके जो मेंबर्स थे जो कि खुद मुस्लिम, उन लोगों के ऊपर भी और उनके घरों के ऊपर भी हमले किए। अब अगर ऐसे कुछ सिलेक्टेड अगर नाम लिए जाए तो उसमें एक फेमस बांग्लादेशी क्रिकेटर है लिटन दास, जिसके घर को जलाया गया था। साथ ही में एक फेमस म्यूजिशियन है जिसके बारे में हमने एक वीडियो साझा किया था, राहुल आनंदा, उसका भी घर जलाया गया। उसके तकरीबन 3,000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो या तो लूट लिए गए या तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए पूरे, और उसके बाद उसके घर को आग लगा दी गई। तो इसी प्रकार से भले ही एक सेक्युलर हिंदू बांग्लादेश में रहता था, जो इन रेडिकल्स को अपना भाई मानता, उसके भी घर को टारगेट किया गया, उसके भी घर को आग लगा दी गई, उसके भी जो आमदनी के साधन उनको डिस्ट्रॉय कर। उसी प्रकार से एक और वीडियो निकल कर आया था विमल दादा करके, जिसका खुद का एक बाइक शोरूम है जहां पर वो सुजुकी की बाइक सेल करते हैं। वो काफी सालों से वहां पर रह रहे थे और काफी सालों से वहां पर बिजनेस कर रहे थे, उनके पूरे शोरूम को आग लगा दी। हाल में उनकी जो जीवनी का एक साधन था वो उनसे छीन लिया गया है, जिसमें उनकी सारे जीवन सेविंग्स लगी हुई थी। तो हाल में ही इज नियरली बैंकरप्ट, और ऐसी कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट किया गया इन अ ह्यूज क्वांटिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। एक या दो जगहों पर नहीं, लेकिन कई सारी जगहों से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर, सभी जगहों, अलग अलग रीजन्स में, जहां जहां पर भी इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता के लोग हैं बांग्लादेश में, और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, और वो ज्यादातर प्रो पाकिस्तान आइडियोलॉजी से चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, प्रो पाकिस्तान आइडियोलॉजी जब होती है तो वे लोग हिंदुओं से घृणा करते ही हैं। इट इज पार्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, इट इज पार्ट ऑफ देयर थिंकिंग, इट इज पार्ट ऑफ देयर स्टडीज। तो उसी के चलते उन लोगों ने वही किया जो उनको सिखाया गया है, जो उनकी आइडियोलॉजी में है, जो उनकी थिंकिंग में। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स निकल कर आए, तकरीबन 100 से भी कई ज्यादा अधिक, और कुछ केसेस में ये भी बताया जा रहा है कि 207 से भी अधिक मामले ऐसे दर्ज हुए हैं। तो उसी के चलते बहुत सारे वीडियोस आए, और धीरे धीरे करके उनने भारत से कई सारे हिंदुओं ने आवाज उठाना शुरू किया इस पोग्रोम के खिलाफ, जो हिंदुओं के अगेंस्ट में हो रहा था। धीरे धीरे वो आवाज बड़ी होती गई और सोशल मीडिया से वो रियल लाइफ में आ गई, और बहुत ही प्लेजेंटली, सरप्राइजिंगली, कोलकाता में हिंदुओं ने मार्च निकाला सेव बांग्लादेश हिंदूज के बैनर के अंडर में, और वहां पर जो बांग्लादेश का ऑफिस है वहां पर उन लोगों ने बाहर जाकर रैली की, मार्च निकाला, नारे लगाए और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के बात कही। इन सभी के बीच में नरेंद्र मोदी जी और जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने शेख हसीना को शरण दी, और जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इनिशियली जहां पर गवर्नमेंट से किसी भी ऑफिशियल ने कोई भी बयान नहीं दिया था, उसी समय बिहाइंड द सीन्स उन लोगों की शेख हसीना के साथ बातचीत चल रही थी, और उनके पास से ये डिटेल्स जानी जा रही थी कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो हाल में किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन सी जगहों पर ऐसे फिशर्स हैं जिनको यूज में लिया जा सके, साथ ही में ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं वहां पर जिनकी मदद ली जा सकती है आज के दिन में, ताकि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ रखा जा सके, या फिर अगर जरूरत पड़े तो उनको बाहर निकाला जा सके, भारत में लाया जा सके, खास करके हिंदुओं को, और साथ ही जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको भी सेफ रखा जा सके। तो इस प्रकार की गतिविधियां बैक एंड में हो रही थी सरकार के द्वारा, और बाद में अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी जी ने बाहर आके स्टेटमेंट दिया।
कि वहां पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को जो नई रिस्पांसिबिलिटी दी गई उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि उनको ये नई रिस्पांसिबिलिटीज मुबारक हों। साथ ही में ये कहा कि वहां पर जो भी हिंदूज हैं और जो अन्य माइनॉरिटी, उन लोगों को सेफ रखा जाए, उन लोगों का ध्यान रखा जाए। अब इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में काइंड ऑफ इंटिमिडेशन, काइंड ऑफ थ्रेट कह सकते हैं, लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दी कि बांग्लादेश में जो भी 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं उनके लिए हम कंसर्न है, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं लेकिन भारत की सरकार भी उसके लिए कंसर्न है एंड वी आर वॉचिंग। तो ये चीज उन्होंने अपने ट्वीट से स्पष्ट कर दी। अलग अलग नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं बाहर आकर, तो उसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही में एक जो बहुत ही खूबसूरत बात निकल कर आई इन सभी चीजों के बीच में, वो ये कि जहां पर पूरे भारत में से कई सारे हमारे और आप जैसे हिंदुओं आगे आकर बांग्लादेशी हिंदुओं के अगेंस्ट में जो पोग्रम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ बात शुरू, नैरेटिव शुरू किया, उसको ग्राउंड पर भी उतारा गया, जैसे कि हमने बताया कोलकाता में ऑलरेडी, और उसके बाद यूएसए में से भी ऐसे वीडियोस निकल कर आए कि वहां पर भी इस प्रकार के मार्चेस अलग अलग जगहों पर निकाले गए हैं। कोना नामक एक संस्था है जो हिंदुओं के हितों के लिए काम करती है वहां पर, तो उनके द्वारा ये वीडियो साझा किए गए कि वहां पर यूएसए में अलग अलग जगहों पर बहुत ही बड़ी मात्रा में रैलीज निकली और उन लोगों को हम साधुवाद करते हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए पूरी दुनिया को कि हिंदू अकेला नहीं, हम सब एकजुट हैं, हम सब साथ में। और अगर कोई भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कोई भी कार्यवाही, पोग्रोम या जेनोसाइड करने की कोशिश करता है तो हम सभी आकर खड़े होंगे, दबाव भी बनेगा और अन्य गतिविधियां भी हो सकती, तो ये एक चेतावनी के रूप में भी लिया जा सकता है, एक नैरेटिव के रूप में भी लिया जा सकता है और एक हिंदू कंसोलिडेशन के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। तो वही चीजें हुई, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज निकल कर आई जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में एक पोग्रोम चलाया जा रहा है, उसी के सामने भारत में से बहुत सारी आवाजें निकली जो कि काफी ही पॉजिटिव चीज है, काफी ही ऑ इंस्पायरिंग चीज है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसी जो बातें हैं, ऐसे जो नैरेटिव हैं, वो जल्दी कंसोलिडेटेड सिंगल साउंड में नहीं निकलते हैं, लेकिन इस बार निकले और साथ ही में पूरी दुनिया में से अलग अलग जगहों पर हिंदू बाहर आए, रास्ते पर आए और जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है उनके खिलाफ आवाज बुलंद। साथ ही में वहां पर बांग्लादेश में पिछले 2-3 दिनों से खबर आ रही है कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वे लोग भी बहुत ही बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पर सड़क पर उतर आए हैं और उन लोगों ने भी ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, उनकी सेफ्टी की मांग करते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं, रैलीज निकाल रहे हैं बहुत ही पीसफुली, इन रियल सेंस पीसफुली, कोई भी दंगा ना करते हुए, अनलाइक सर्टेन अदर प्रोटेस्ट, उन लोगों ने मार्चेस निकाले हैं और वो लोग भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बांग्लादेश उनकी जमीन है, बांग्लादेश उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, उनका पूरा परिवार वहां जन्मा, वहां पर फला फूला और वहां पर बड़ा हुआ, तो उस मातृभूमि को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। तो उसी के चलते उन लोगों ने अपनी आवाजें बुलंद करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे करके, वहां के जो डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि वहां पर जो सरकार है वो किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को, पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है और जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, जो कुछ आवामी लीग्स के लीडर्स के खिलाफ हो रहा है, मेंबर्स के खिलाफ हो रहा है और कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हो रहा है, उसके ऊपर कैसे रोक लगा दी। मोहम्मद यूनुस बेसिकली यूएस डीप स्टेट का पपेट है, चाहे वो डीप स्टेट बोल रहे हैं, चाहे सीक्रेट सोसाइटी बोल रहे हैं, चाहे इल्यूमिनाटी बोल रहे हैं, चाहे ग्लोबल एलिट्स बोल रहे हैं, ग्लोबलिस्ट बोल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है उन लोगों के, लेकिन अल्टीमेटली ही इज जस्ट अ पपेट, अ मियर पपेट, जिसने ये बयान दिया है कि अगर लोग काबू में नहीं आते हैं तो ही विल लीड। सो बेसिकली ही इज अ वीक लीडर हु हैज बीन चोजन एंड पुट देयर, नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड एंड प्लेस देयर बाई अ सर्टन ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल so that they can extract benefit from Bangladesh, from people of Bangladesh and from the Bangladeshi resources. तो उसी के चलते ये पूरा खेल हुआ है।
आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा जो वहां का माहौल है वो किस तरह से काम डाउन होता है या फिर और भी गर्म हो जाता है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये खास पॉजिटिव चीज थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और साथ ही जितने भी हिंदू भारत में से और भारत के बाहर आगे आए हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज जिन्होंने बुलंद की, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर रास्ते पर उतर लो, हम उन सभी का साधुवाद करते हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं को नमन करते हैं जिस तरह से वो लोग बाहर आकर अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने खुद ही लड़ना शुरू। आप भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जिन्होंने बाहर आकर इसके ऊपर आवाज बुलंद करना शुरू किया है, और जो भी हिंदू पूरी दुनिया में से बाहर निकलकर आए हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने खुल के बोलना शुरू किया है, उनके लिए दो शब्द नीचे कॉमेंट जरूर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेगी अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।